तो हाँ भाई, ये है आईफोन 11। आज करेंगे इसका BGMI टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट iOS 17.4.1 पे, क्योंकि इस फोन को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि रेंडर लैग तो इसमें पहले ही होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत तगड़ा इसमें फ्रेम ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है। तो वो आज हम चेक करेंगे, और आपको इसमें देखने को मिलेगा FPS मीटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हैंड कैम, तीनों चीजें एक साथ। और उसके अलावा इसकी जो है बैटरी बैकअप भी चेक करेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो है हीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फोन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसमें A13 बायोनिक चिप आती है 4GB रैम के साथ, और ये फोन जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इस फोन को लॉन्च हुए, 5 साल बाद भी इसमें गेम चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई एंड्रॉइड होता तो अब तक भाई घुटने टेक देता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट iOS 17.4.1 पे है ये। और यहाँ पे मैं इसकी जो है बैटरी हेल्थ भी चेक करवा देता हूँ। तो इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 92%, और ये वो वाला फोन नहीं है जो मैंने कैशिफाई से मंगाया था, क्योंकि उसकी बैटरी हेल्थ 79 पे आ गई है, लगभग 1 साल पहले लिया था 85 पे। तो इसलिए मैंने इस फोन का जुगाड़ करना पड़ा था कि बैटरी बैकअप बढ़िया मिल सके। तो यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वही 22-23 सेकंड लगे गेम को स्टार्ट होने में। और यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स चेक करा देता हूँ। सेटिंग्स जो है हर बार की तरह सेम है, स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलेंगे, और एंटी एनालाइज जो कि ऑफ रखा है मैंने, क्योंकि वैसे इतना हीट होता है। और यहाँ पे जो है वाईफाई कनेक्टेड है, और मैं जो ये ब्लूटूथ वाले ईयरबड यूज करूंगा विंग्स वाले, जो कि 40 ms लेटेंसी वाले अभी तक बढ़िया चल रहे हैं, 1 साल होने वाला इसको भी। और यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं 76% है। तो यहाँ पे जो है TDM वगैरह नहीं खेलने वाले, क्लासिक मैच खेलेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे कि रेंडर लैग होता है या नहीं, या पूरे मैच में फ्रेम ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और आईफोन जो है वेरिएबल FPS पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम जो है FPS मीटर भी लगा सकते हैं, और ये जो काफी ज्यादा एक्यूरेट काम करता है आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। और यहाँ पे राइट में मैंने FPS मीटर लगा दिया है, और उसके नीचे हैंड कैम भी लगा दिया है। तो भाई तीनों चीजें एक साथ लगाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो भाई इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग है जो कि भाई बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से पागल बना रहे हैं लोगों को। स्टार्टिंग में फोन और कोई दिखा रहे हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी और फोन की चल रही है, और नकली FPS मीटर लगा रखा है, 90 पे चिपके पड़े हैं FPS iPhone 11 में भी। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं जंप करने पर रेंडर लैग होता है या नहीं। तो भाई जहाँ तक उम्मीद ही थी मुझे रेंडर लैग होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तगड़ा ही लैग हुआ, लेकिन बाद में जो FPS स्टेबल हो गए, लेकिन ये चीज तो पहले पता ही थी। लेकिन अभी चेक करना है कि गेम के बीच में फ्रेम ड्रॉप वगैरह होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 मैच खेले हैं, आप इसका हाईलाइट देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गेम कैसा चलता है, इसमें लैग होता है या नहीं। Let's go.
तो यहाँ पे टाइम जो है 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए मुझे मैच बीच में बंद करना पड़ा। और भाई फोन यहाँ पे अच्छा खासा हीट हो चुका है और ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर ली थी इसने। तो अगर बताऊँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तो इसकी परफॉर्मेंस सेम टू सेम आईफोन 12 जैसी थी। सिर्फ यहाँ पे रेंडर लैग करता था 1-2 सेकंड के लिए जंप करते टाइम या फिर कोई गाड़ी आती है, जो बाद में वापस 60 FPS आने लग जाते हैं। लेकिन 15-20 मिनट बाद भाई ये तगड़ा ही हीट हो जाता है फोन, ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर लेता है बुरी तरह, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाती है। तो अगर आपने FPS मीटर पे ध्यान दिया होगा हाईलाइट में, तो सेकंड वाला मैच जब मैं इवेंट में जंप किया तो भाई पूरे इवेंट के टाइम इसके FPS जो है फ्लक्चुएट हो रहे थे 45 से 55 के बीच में। और काफी बार ऐसा होता है कि फाइट के बीच में भी भाई अटकने लग जाता है, FPS ड्रॉप होने लग जाते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो भाई आईफोन 12 से कम है, पर हाँ इतना है कि अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन लेते हैं 20,000 के अंदर, क्योंकि इसका प्राइस 20,000 के आसपास ही, उनसे तो बेटर है। पर भाई मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, आप इससे अच्छा तो आईफोन 12 की तरफ जाओ या फिर एंड्रॉइड में पोको X6 प्रो की तरफ, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इस फोन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो परफॉर्मेंस की नहीं है, परफॉर्मेंस फिर भी चलो ठीक है खेल सकते हैं, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है, एक तो इसकी डिस्प्ले जो काफी कम रेजोल्यूशन की है और ऊपर से IPS है, व्यूइंग एंगल वगैरह भी इतने अच्छे नहीं है। और जब इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है ना भाई, उसके बाद तो कुछ दिखता ही नहीं इसमें। शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में भाई मुझे बार बार ऐसे आंखें गड़ा के देखना पड़ रहा था एनिमी कहाँ है, और एनिमी को स्पॉट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी इसकी डिस्प्ले की वजह से। तो ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी इसमें। और अगर बताऊँ इसकी हीटिंग के बारे में, तो भाई हीटिंग तो देखो ये तगड़ा करता है तभी ब्राइटनेस ड्रॉप हो रही है। और अगर आप फैन वगैरह कूलर AC कुछ लगाते हो सकता है थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फर्क पड़े, लेकिन ब्राइटनेस तो फिर भी इसकी ड्रॉप होगी होगी, क्योंकि सर्दियों में 10-12 डिग्री रूम टेम्परेचर पे भी इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप होती थी। और अगर बताऊँ इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे भाई इसकी बैटरी हेल्थ काफी अच्छी है 92%। तो इसने जो भाई 25% बैटरी ड्रॉप करी है 1 घंटे में, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। तो इस हिसाब से आराम से 3.5-4 घंटे के आसपास चल जाएगा। मैंने जब पिछली बार 85% बैटरी हेल्थ वाले का रिव्यू करा था तो वो भाई 3 घंटे के आसपास चला था। तो यहाँ पे मुझे बैटरी काफी सही लगी, ज्यादातर आईफोन में इतनी चलती है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कैसा लगा आपको ये रिव्यू आप बता सकते हैं कमेंट में, और कौन से फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।